आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके अगले वीडियो में हमने देखा था 36 चेस्ट साइज़ के हिसाब से ब्लाउज के शोल्डर की कटिंग, तो ये वीडियो में हम देखेंगे 38 चेस्ट साइज़ के हिसाब से ब्लाउज के शोल्डर की कटिंग। तो यहाँ पर हम आज के वीडियो में 4 इंच से लेकर 12 इंच के गले तक की शोल्डर की कटिंग देखेंगे, जिसमें हमारी चेस्ट साइज़ रहेगी वो रहेगी 38 इंच। 39 में भी ये फॉर्मूला काम करेगा और आगे हम देखेंगे 44 चेस्ट साइज़ तक का शोल्डर की कटिंग। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर ये हमारा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर आएगा वो करीबन आएगा 15.5 इंच, और यहाँ पर जो हमारा गला रहेगा वो करीबन रहेगा 4 इंच, 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच। तो सभी गले में हमारा जो शोल्डर आएगा वो अलग अलग हिसाब से आएगा, इसके लिए मैं आपको आज वही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 इंच का गला। जब भी हमारे पीछे का गला 4 इंच रहता है तो हमें क्या 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 करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो हमारा पीछे का गला है वो 4 इंच है तो खुलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसके लिए आपका जितना भी शोल्डर है 15 इंच है तो 15 इंच, 14 इंच है तो 14 इंच, यहाँ पे हमारा 15.5 इंच आ रहा है तो हम 15.5 इंच पूरा लेंगे, और ये हमारा डबल लेयर है तो 15.5 को हम दो के साथ डिवाइड करेंगे तो करीबन आएगा 7.5 इंच। तो एक मार्किंग हम 7.5 इंच पर लगा देंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा रख देना है। और दूसरी बात रही हमारी गले की ब्रॉडनेस की, तो वो आप अपने कस्टमर के हिसाब से रख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर हम आर्म होल की तरफ 1/2 इंच कंधे डाउन करेंगे इस तरीके से क्रॉस में, और ये हमारा हो जाने के बाद ताकि हमारा शोल्डर नहीं उतरे, बस वही है इसका। और उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का और गले का मार्किंग कर देंगे और पीछे का पार्ट काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा पीछे का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम देखने वाले हैं कि जब भी हमारा पीछे 6 इंच गला रहेगा तो हमें क्या चेंजेस करना है। तो जब भी हमारा पीछे का गला 6 इंच रहेगा तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर आएगा वो हमारा करीबन आएगा यहाँ से 2 इंच माइनस हो जाएगा, 15.5 है तो ये 13.5 आएगा। तो इसको भी हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये करीबन आएगा हमारा 7.5 इंच। तो एक मार्किंग हम 7.5 इंच पर कर देंगे, दूसरा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख देना है, और फिर गले की ब्रॉडनेस हम दे देंगे। और ये इतना हमारा हो जाने के बाद यहाँ पर भी 1/2 इंच कंधे डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ ताकि हमारा फिटिंग अच्छा आए और कंधी गिरे नहीं, और फिर हम यहाँ पर गले का और आर्म होल का मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट का मार्किंग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। और ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हमारे पीछे का गला 8 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे? तो जब भी हमारे पीछे का 8 इंच गला रहेगा तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर रहेगा यहाँ पर टक्स लग जाने के बाद शोल्डर थोड़ा खुलता है, इसके लिए यहाँ पर जो हमें शोल्डर रखना है वो रखना है 12.5 इंच। जी हाँ, तो यहाँ पर 12.5 इंच हमें शोल्डर रखना है, तो यहाँ पर उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो करीबन आएगा हमारा 1.25 इंच। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे और फिर हम शोल्डर का और फिर हम गले की ब्रॉडनेस दे देंगे। और यहाँ पर हमें उल्टा क्रॉस गले की तरफ देना है, पहले हम कंधे की तरफ देते थे अभी हमें गले की तरफ देना है। इतना कर देने के बाद अभी हम आर्म होल का और गले का मार्किंग कर देंगे। कंधे की तरफ इसीलिए देना है क्योंकि ताकि शोल्डर उतरे नहीं, क्योंकि टक्स लग जाने के बाद ये और फैलेगा। इसके लिए ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हमारे पीछे 10 इंच गला रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे? तो जब भी हमारे पीछे 10 इंच गला रहेगा तो इसमें जो हमारा शोल्डर रहेगा वो करीबन आएगा 10.5 इंच। यहाँ पर टक्स लग जाने के बाद शोल्डर और भी खुलेगा क्योंकि गला बहुत बड़ा है इसके लिए। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच रहेगा तो यहाँ पर हम 5.25 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और दूसरा मार्किंग हम गले की ब्रॉडनेस दे देंगे अपने कस्टमर के हिसाब से। और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच क्रॉस गले की तरफ करना है और फिर हम गला और आर्म होल कटिंग कर देंगे 1/2 इंच क्रॉस, इसीलिए ताकि ये गला फैलेगा इसके लिए, गला उतरे नहीं इसके लिए। और अभी हमारा जब भी गला 12 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे? तो इसमें जो हमारा शोल्डर रहेगा वो रहेगा करीबन 9.5 इंच। जी हाँ, यहाँ पर आप 9 इंच भी रख सकते हैं और 9.5 इंच भी रख सकते हैं, दोनों में ये जैसे जैसे हमारा गला खुलेगा यहाँ पर टक्स लग जाने के बाद गला फैलता है, इसके लिए हमें शोल्डर कम करना पड़ता है। और यहाँ पर 1/2 क्रॉस करेंगे तो जब भी हमारा शोल्डर टक्स लग जाने के बाद शोल्डर खुलेगा तो ये हमारा सीधा ही हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच क्रॉस गले की तरफ दे रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम गले का और आर्म होल का मार्किंग करके इसको हम पीछे का पार्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अभी हम इसे काट सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो बात मैंने आपको बताई वो आप एक नोट पर भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। और आगे के वीडियो में हम देखने वाले 40 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से ब्लाउज़ की शोल्डर की कटिंग। तो मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें अपना।